कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय जगह से होती है, जहां पर एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढते हुए नजर आता है। उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। इसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वह एक सपना देख रहा था। उसका नाम गुहान था। वह एक पहाड़ पर बैठा था और तभी अपने तरफ एक ट्रक को आते हुए देखता है। वह उस पर पत्थर बरसाने लगता है। उसका निशाना भी अच्छा था। इसके पत्थर ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी निकल कर आया। गुहान उसके पास जाता है और उसे पीटने लगता है। वह उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, तुमने ही मेरी बेटी को किडनैप किया है। वह आदमी उसे पीट कर भाग जाता है। जब गुहान उस ट्रक को खोलता है तो उसमें बहुत सारी मासूम बच्ची होती है जिन्हें वह आदमी किडनैप किया था। गुहान उन सब में अपनी बेटी को भी ढूंढता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती तो वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है। उसी वक्त वहां पर पुलिस भी पहुंच जाते हैं और पुलिस गुहान को वहां पर देखता है तो वह समझता है कि इन सारे बच्चों का किडनैप गुहान ने ही किया है। पुलिस उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम गुहान के बीते हुए समय को देखते हैं, जिसमें हम यह देखते हैं कि गुहान का भी एक खुशहाल परिवार था। उस परिवार में 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन आज 6 साल हो चुके हैं। दरअसल गुहान के बेटी को किसी ने किडनैप करके ले गया था और वह आज तक उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वह बच्ची उसे नहीं मिली। गुहान को एक सपना आता है कि उसकी बेटी एक डार्क शहर में किडनैप है। इसके बाद गुहान को वर्तमान समय में पेट्रोल पंप पर पुलिस वाले के कार में देखते हैं। वहां पर एक कार आके रुकता है। उस कार को एक लड़की चला रही थी। वह लड़की गुहान से कहती है, जल्दी से तुम इस कार में आकर बैठ जाओ। गुहान जल्दी से आकर उसके कार में बैठ जाता है। वह लड़की कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। वह लड़की कहती है, मैं तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी जानती हूँ। इस लड़की का नाम लिंग होता है। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे भी मदद करनी होगी। इसके बाद वह लड़की एक आदमी के पास गुहान को ले जाता है। वह आदमी टीवी पर शो कर रहा होता है, एक नॉवल सुना रहा होता है। उन नॉवल में एक वॉरियर व्यक्ति को देखते हैं जो भाग रहा था। उस व्यक्ति को कुछ आदमी पकड़ने वाला ही होता है कि तभी उसकी बहन आ जाती है और उसे बचा लेती है। वहां पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो उस लड़की को मारने के लिए जाता है। वह अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन वह ऊपर जाकर उस आदमी को मार देता है जिसका नाम था कांगो। उसे मरने के बाद उस ओल्ड वॉरियर में जो शील्ड होती है वह उसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है और सारे शील्ड उसके शरीर पर आकर चिपक जाती है। इसके बाद वह उसका खून पीने लगते हैं। वह उससे कहती है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हो तो तुम मुझको भी अपने साथ ले जाना। यहां पर कहानी पूरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति स्पीच दे रहा था वह बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ किंग उसे बताती हैं कि इस नोवेल के आगे वह वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन जब यह बात आती है तो मेरे बॉस यानी कि वह बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है। मेरे बॉस की जान चला जाए, इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम अगर मेरा यह काम करते हो तो मैं तुम्हारी बेटी ढूंढ कर दूंगी। मैंने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ ली हैं, जिनमें से एक तुम्हारी बेटी होगी, जो हमें ब्लड टेस्ट से मालूम चल जाएगा। लिंग उसे बताती है कि यह नॉवलिस्ट दूसरे शहर में रहता है, तुम्हें वहां पर जाकर उसे मारना होगा। वह उसे मारने के लिए दूसरे शहर में जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह नोबेलिस्ट उससे पूछता है कि तुम यहां क्या करने के लिए आए हो। गुहान उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूं। ये बात सुनकर नॉवलिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह वहां पर आकर बैठकर उससे बातें करने लगता है। इसके बाद गुहान उससे बात करने के बाद वह अपने डायरी वहीं पर छोड़कर चले जाता है, जिसमें वह अपने बारे में लिखा होता है। जब वह नॉवलिस्ट उस कहानी को पढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह तय करता है कि वह अपने नॉवल में उसे कहानी को भी ऐड करूंगा। अपना कहानी जारी रखता है। कहानी में बताया जाता है कि वह किंग वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं वह मॉन्स्टर एक राजा था, और किंग जब वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक फेस्टिवल हो रहा था। शील्ड पर लगी वह आंख उसे बताती है कि इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और मॉन्स्टर यहां का सैनिक हुआ करता था, लेकिन उसने उस राजा को मार दिया और वह दूसरे राज्य पर भी हमला कर दिया।
वहां पर सभी लोगों को मारकर वहां पर आग लगा दिया। ये पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। वहां के सभी सामान वह राजा लूट लेते हैं। यहां पर कर्फ्यू लगा चुके हैं। कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए कर्फ्यू लगाया होता है। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अब हम दूसरी दुनिया में चले आते हैं, जहां पर गुहान उस नॉवलिस्ट के शहर में होता है। वह एक होटल में आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर नॉवलिस्ट चले आते हैं, इसलिए लिंग वहां से चली जाती है। गुहान कहता है, चलो इस नॉवलिस्ट को मार ही देता हूं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। नॉवलिस्ट उसे कहता है कि तुम्हारी डायरी में जो कहानी है, उस कहानी के आधार पर मैं अपने नॉवल को आगे बढ़ाया है। वह उसकी डायरी लेकर अपनी नॉवल की कहानी को आगे लिखने लगता है। एक बार हम फिर से नॉवल की कहानी में आते हैं, जहां पर कांगो एक रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी वहां उसे छोटी बच्ची नजर आती है। उसके छोटे भाई का मौत हो चुका है। कांगो उसके साथ जाता है। वह छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है। उस बांसुरी की आवाज सुनकर सभी सैनिक वहां पर आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कांगो उस छोटी बच्ची को लेकर भागने लगता है और भाग जाता है। और अब जैसे ही रात होने वाली होती है कि उस किंगडम सैनिक की शक्तियां कम होने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर कांगो वहां से उस छोटी बच्ची को लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद हम रियल लाइफ में आते हैं, जहां पर यह डिसाइड कर लेता है कि मैं इस नॉबलिस्ट को मार दूंगा। उसकी तरफ वह एक पत्थर फेंकता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वह एक सॉन्ग सुनता है। दरअसल वह सॉन्ग उसकी बेटी गाती थी, इसलिए वह उस सॉन्ग का पीछा करते हुए जाता है। वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि 10 से 11 साल का लड़का यह गाना गा रहा होता है। वह उससे पूछता है कि तुम यह गाना कहां से सीखा, लेकिन वह लड़का उससे डर जाता है और वहां से भागने लगता है, उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वह किडनैपर के पास पहुंचता है। वह किडनैपर को मारकर पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहां पर है। तो वह किडनैपर कहता है कि मैं उसे बहुत ही ज्यादा डोज दे दिया था, जिसके कारण वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर गुहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसे मारने लगता है। यहां पर लिंग चली आती है और वह उसे गाड़ी में ले जाती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुहान कहता है, मुझे उस किडनैपर को मारना है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा। ये सारी बातें लिंग का बोस भी सुन रहा होता है। वह कार से बाहर निकलकर आता है और वह उसे कहता है कि मुझे अगर यह मजबूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें उसे मारने के लिए कभी नहीं कहता। यह बात सुनकर मायूस हो जाती है, क्योंकि वह उसे अपना पिता मानती थी, इसलिए वह उसे मदद कर रही थी। दूसरी तरफ हम कांगो और उस बच्ची को देखते हैं। वह उस गलियों से गुजर रहे थे जहां पर हर तरफ डेड बॉडी पड़ी थी, यानी मरा हुआ शरीर, कि तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उस पर हमला कर देता है। तभी उसके शरीर पर लगी सील्ड निकलकर उस पर हमला कर देता है और वह एक क्रिएचर में बदल जाता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबको मार देता है। दूसरी तरफ वह नॉवलिस्ट काफी जख्मी होता है। वह गुहान से बताता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया है। वह उसे यह भी बताता है कि उस नॉवल में मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। उस नोबेल में कौन कांगो जीन बच्ची के साथ है, वह तुम्हारी ही बच्ची है। बच्ची अपने परिवार को ढूंढ रही होती है और उसमें जो वॉरियर उस पर अटैक करने के लिए आया होता है, वह उस पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्ची को बचाने के लिए आया होता है, क्योंकि जैसा निशान उस पर है वैसा निशान तुम पर भी है। गुहान से कहता है कि तुम कृपया करके अपने नॉवल को जल्दी खत्म कर सकते हो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नॉवल असली जिंदगी से मिलता जुलता है। इसके बाद वह दोनों नॉवलिस्ट के घर में आ जाता है और वहां पर एक फोटो रखा होता है। उसे देखकर कहता है कि इसे तुम जानते हो। तो नॉवलिस्ट कहता है कि यह आदमी और मेरे पिता एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लेकिन यह सारी बातें लिंग भी छुपकर सुन रही होती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि उसके बोस उसे झूठ बोल रहा था। लिंग को यकीन हो जाता है कि उसके बोस उस नॉवलिस्ट को मारना चाहता है। वह बेहोश होने का बस ड्रामा कर रहा है। उसने ही उसके पिता को मारा था। इसके बाद लिंग उसे फोन करती है और उसे कहते हैं कि मुझे आप पर बहुत विश्वास था,
लेकिन आप अपना काम पूरा होने के बाद आप मुझे भी मरवा देंगे। इसके बाद लिंग उसे कहती हैं कि मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, जिसके कारण उसके बॉस उस किडनैप कर लेता है। गुहान को भी पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। वह उसे लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है, लेकिन वहां पर भी लिंग के बॉस के आदमी आ जाते हैं। दोनों में लड़ाई हो जाता है। इसके बाद हम फिर से नोवेल की दुनिया में चले आते हैं, जहां पर वह छोटी बच्ची और किंग उस राजा को मारने के लिए जा रहा होता है। मॉन्स्टर के सारे पहरेदार, सारे वॉरियर रात में सोए हुए थे, क्योंकि रात में इनके शक्ति खत्म हो जाती है। अब वह जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है। अजीब गरीब देखने वाला एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आता है, बताता है कि तुम मेरे दोस्त के बेटी हो। मैं तो तुम्हारे पिता को कब का मार दिया था, लेकिन अब तुम भी मरोगे, और तुम्हारी बहन को मारने के लिए भी अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम किसी तरह से बच गए। और वह मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। अब दोनों में लड़ाई होने लगते हैं। अब यहां पर कांगो से तहसील उसके शरीर से अलग होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था, यह उस शील्ड को तबाह कर देता है। अब यह मॉन्स्टर कांगो को मारने के लिए उसके तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वह छोटी बच्ची बांसुरी बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके। यह देखकर मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आता है, और मॉन्स्टर उस छोटी बच्ची के पास आता है, और उसके पेट में से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उस बच्चों को अपने पेट में ले जाता है। दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि उस नोबलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है, और कहानी यहां पर अधूरी रह गई है। लिंग भी खुद को किसी तरह से बचाकर उनकी मदद करने के लिए यहां आ जाती है। इसके बाद ये लोग नोबलिस्ट को अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहां पर लिंग का बॉस भी इस बात को मान लेता है कि मैं नोबलिस्ट को मारना चाहता हूं और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जब गुहान को सारी बातें समझ आ जाती है, तो वह डिसाइड करता है कि वह खुद इस नोवेल को पूरा करेगा, क्योंकि भले ही लिंग का बॉस भले ही उस नोवेल से कनेक्ट होने का एक्टिंग कर रहा था, उस नोवेल में जो छोटी बच्ची थी वह सच में गुहान की छोटी बच्ची थी। लिंग के बॉस उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन लिंग उसे धकेल देता है। दूसरी तरफ हम उस दुनिया में पहुंच जाते हैं, यानी नोवेल के दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं जो गुहान होता है, उसके जो उसमें कैरेक्टर होते हैं सोल्जर का, उसे भी समझ में आ जाता है कि उसका मॉन्स्टर राजा धोखेबाज है। इसके बाद वह वॉरियर और कांगो उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसके बाद मॉन्स्टर के सिर पर जो तलवार होता है उसे नीचे खींच देता है, जिसके कारण मॉन्स्टर दो टुकड़ों में बट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नोबल यहां पर खत्म हो जाता है, लेकिन गुहान यहां पर अभी भी दुखी होता है, क्योंकि उसकी बेटी के ढूंढने का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिलता है। लेकिन तभी वह खिड़की से बाहर देखता है। वह दौड़ते दौड़ते वहां पर जाता है और वह गाना गाने लगता है, क्योंकि उस लड़के के साथ एक छोटे बच्ची भी होती है। गुहान को ऐसा लगता है कि वह छोटी बच्ची उसकी बेटी है। गाना सुनकर वह लड़की पीछे देखती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि यह गाना मेरे पिता ही गा रहे।